हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खेम कुमार। तो आज हमारे सामने मौजूद है होंडा i10 का ये वेरिएंट, 2008 का ये मॉडल है और पेट्रोल प्लस सीएनजी के अंदर है। भाई लोग बाग सीएनजी लगवा लेते हैं, पर क्या होता है कि सीएनजी ऑन पेपर नहीं कराते हैं। तो ये गाड़ी में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि सिक्वेंशियल किट लगी, और सिक्वेंशियल जो किट लगी वो सीएनजी ऑन पेपर है। तो बात करते हैं इसके आउटर लुक के बारे में। तो आउटर लुक में हमने इसमें चेंजमेंट करा दी। भाई इसके अंदर अलॉय व्हील लगे हुए 14 इंच के, और फ्रंट से कुछ बात कर रहे थे, फ्रंट से लुक कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी की। अलॉय व्हील लगने के बाद गाड़ी की लुक बिल्कुल ही चेंजमेंट हो जाती है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी है, लगभग काफ़ी पीसेस के पेंटेज हैं। अलॉय व्हील लगने के बाद ग्राउंड का जो क्लियरेंस है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ऊंचा हो गया है उसके मुकाबले। पहले इसमें 13 इंची टायर लगे हुए थे, अब इसमें 14 इंची टायर लगा के अलॉय व्हील लगे हुए हैं। तो इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर कुछ ऐसा है अंदर से गाड़ी का, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाएंगे, पावर विंडो है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको कि गाड़ी टोटल कितनी चल गई है, ये देख सकते हो। गाड़ी मीटर कोई बैक नहीं है गाड़ी का, गाड़ी जेनवनली इतनी चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन इंजन वाइज, बॉडी वाइज और सस्पेंशन वाइज काफ़ी अच्छी है, और इंटीरियर देख सकते हो काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ड्राई क्लीन कराई गई है गाड़ी की, सीट कर वगैरह। आपको ना तो कोई मेंटेनेंस के ऊपर कुछ कॉस्ट लगानी है, ना कोई आपको सर्विस के ऊपर, ना कोई आपको इंटीरियर का। गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये देख सकते हो पीछे की तरफ। मैं अभी बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारे सीएनजी वाला स्विच लगा हुआ है। और गाड़ी की एवरेज की बात करूँ तो करीबन 25 प्लस एवरेज है गाड़ी की। चाबी से ही खोलना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप सीएनजी लगने के बाद भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। यहाँ पे आप इजिली दो बैग तो इजिली कैरी कर सकते हो। और मैं दिखा सकता हूँ आपको अंदर की लुक वाइज। और यहाँ पे हमारा स्टेपनी वाला टायर मिल जाता है अलग से, काफ़ी सिलेंडर लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस था। और इधर से बात करूँ इधर भी, इधर की तरफ भी आप देख सकते हो। और मैं अभी आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ कि आगे से इंजन की क्या कंडीशन है, सीएनजी प्रॉपरली लगाई गई है नहीं लगाई गई है। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो मैं अभी कॉस्ट भी आपको बता देता हूँ क्या कॉस्ट होने वाली है इस गाड़ी की। ये देख सकते हो आप, बैटरी एम्ब्रोन की लगी हुई है। यहाँ पे हमारा सीएनजी भरने के लिए फिलिंग गेज है। तो इंजन की कंडीशन आप देख सकते हो, कहीं पे भी कोई लीकेज वगैरह नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग। और जो सीएनजी लगी हुई है वो यहाँ पे लगाई गई है, ये देख सकते हो सिक्वेंशियल किट लगी है। और सीएनजी है जो ऑन पेपर है, ऑन आरसी के अंदर चढ़ी हुई है। तो गाड़ी की जो कीमत रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी प्राइस के अंदर, जितने में आप एक नई बाइक अफोर्ड करो उतने के अंदर गाड़ी की 90,000 रुपये गाड़ी की वैल्यू रहने वाली है। जल्दी आओ। तो काफ़ी अच्छी है गाड़ी, नीट एक पैसे लगाने की जरूरत है गाड़ी के ऊपर। आप जब तक चलाओ साल डेढ़ साल तो बहुत अच्छी कीमत है गाड़ी की। और उसके बाद भी स्क्रैप का रेट करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये गाड़ी की, सीएनजी लगी हुई है। और जो आज का रेट है गाड़ी का, कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की गाड़ी स्क्रैप के अंदर जा रही है। तो साल डेढ़ साल में गाड़ी के पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके मेरे को कॉल चक्कर कर सकते हैं। और गाड़ी आप देखना चाहे तो आके विजिट करके गाड़ी चला के देख सकते हैं। सीएनजी के अंदर भी गाड़ी इतनी अच्छी चलती है, पता नहीं लगता कि सीएनजी में चल रही है, पेट्रोल में सारा काम रेडी है गाड़ी का करके। अलॉय व्हील से गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंज हो गई। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब का ज़रूर एम रखें। थैंक यू।